Dari? Dulania. Dulania. बाबू जी कौन है और दुल्हनिया? अब वो सस्पेंस है, दुल्हनिया कौन है वही आप लोगों को ढूंढना है। कहना क्या है, आज फिल्म है, पहला दिन, सारे लोग उत्साह में होते ही हैं, हम लोग भी हैं और बड़े भैया हमारे सूर्या भैया, आज इन्हीं की वजह से सारी पूरी टीम आई हुई यहाँ पे और मैडम भी स्माइल लेते हुए ये भी आई। बहुत अच्छा लग रहा है, आज दो तीन चार सीन हम लोग के निकल चुके भी हैं, लंच हुआ है, खाना ना खा रहे हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे, मस्ती भी और बड़े भैया भी हैं सारे लोग। सालू जी आप क्या कहना चाहेंगे इस मैं सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को, हम सभी को देखने वाले हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार प्रणाम हम सभी की तरफ से, और हम ये कहना चाहेंगे कि ऑब्वियसली वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि हम एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं और लाडो जी और मैं साथ में काम कर रहे हैं बिकॉज वी आर बेस्ट बडीज ऑल्सो एंड थैंक्स टू सूर्या सर कि हमें चांस दिया उन्होंने साथ में काम करने का, थैंक यू सो मच सर एंड थैंक्स टू एवरीबडी ऑल टीम। बस सूर्या जी आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सबको नमस्कार, ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, और आज मेरा पहला शेड्यूल है, पहला ये नया सेट है हमारा, शूट हो रहा है गोरखपुर में, बांसगांव क्षेत्र में, और ये मेरे प्रोडक्शन से जिसका नाम है रचना फिल्म, ये पहली मूवी है जिसके आपको पता ही मेन लीड में आपके लाडू जी और शालू जी हैं। अच्छा है सर, बेहतरीन काम हो रहा है, कोशिश है कि एक अच्छी फिल्म बन के आप लोग के सामने आए और ट्राई कर रहे हैं सर, सबका काम अच्छा है, अभी ये आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग की दुआ है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो लाडो जी, शालू जी और अपने छोटे भाई सूर्या को सब बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने पिक्चर शुरू की। ये बहुत दिन से चल रहा था कि ये किया जाए वो किया जाए, मैंने कहा कि एक अच्छी कहानी लेकर आओ, फिर उस पर बात किया जाएगा, लोकेशन देखा जाएगा, अपने यहाँ भी हम लोग अच्छी पिक्चर बनाएंगे कि दर्शकों में एक न्यूज़ जाए कि हाँ अच्छी पिक्चर बांसगांव में बन रही है, बांसपार क्षेत्र में बन रही है, और लोग ज़्यादा दर्शक इससे जुड़ेंगे और अच्छा महसूस करेंगे, हो सकता है कि पिक्चर आगे हमारे बहुत अच्छा करे और सूर्या को प्रोत्साहन मिलेगा तो सूर्या हो सकता है बहुत आगे जाएगा, और हमारी पिक्चर आगे जाएगी तो सब लोग इसके आगे, मतलब इसके आगे हम लोग हो सकते हैं कि बहुत अच्छा करने वाले हैं। हाँ, और यहाँ इस सेट पे यहाँ पे हम लोग शूट कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो बहुत लोग एक्साइटेड हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग शूट भी देखने आए हैं और सबका ये है कि मेरे को हीरो के साथ फ़ोटो चाहिए, हीरोइन के साथ फ़ोटो चाहिए, मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होता है। सबको हीरो हीरोइन का तो फोटो चाहिए, मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, आराम से होगा सारी चीज़ें क्योंकि सब लोग थके रहते, सबका काम होता है। दर्शक जो है क्या है कि नेट से निकालते हैं फ़ोटो, सर का फोटो उन्होंने नेट से निकाल लिया कि भाई उनके साथ फ़ोटो चाहिए, लाडो जी का निकाल लिया, इनका निकाल लिया, शालू जी का कि उनके साथ फ़ोटो चाहिए, हमें उनके साथ बनाना है, तो वो रहता है कि हाँ उत्साह बहुत ज़्यादा है लोगों में कि अपनी इधर पिक्चर शुरू हो रही है और इसको हिट कराना है, मतलब अभी से लोगों को लगा है कि हाँ इसको कराना है, इस पर लोगों का उत्साह बहुत ज़्यादा है। सर बांसगांव शूटिंग करने का प्लान मेरा बहुत पहले था, एक्चुअली मेरा गोरखपुर में शूट प्लान था शूट करने का, और फिर मैंने भैया को बोला था कि भैया मुझे ऐसा ऐसा लोकेशन चाहिए, उन्होंने बोला कि बांसगांव में ही है, अब मुझे ये लोकेशन उन्होंने दिखाया, अब सही बताऊँ तो कहीं ना कहीं वो रेफरेंस में ही है और मुझे बहुत अच्छा लोकेशन मिल गया, और सब कुछ चीज़ें क्या होती है ना, अपना लोकेशन होता है, खुद का होता है, चीज़ें बहुत आसानी से एग्जीक्यूट हो जाती हैं, बस ये बांसपार तहसील में क्या है कि हम लोग का नेटिव प्लेस है, घर हमारा बांसगांव तहसील पर ही है, तो इससे हम लोग को भी थोड़ा आसानी हो जाती है, यहाँ करेंगे और यहाँ पर ज़्यादातर पिक्चरें भी शूट नहीं हो रही हैं, शहरों में शूट की जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में शूट होगी तो लोगों में ज़्यादा उत्साह रहता है, उत्साह रहता तो इससे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है कलाकारों को भी और प्रोड्यूसर को भी। ये कहानी है जो एक अलग यूनिक स्टोरी है, बाप बेटे की है, करेक्ट, बेटा शादी योग्य है लेकिन बाप अपनी शादी करना चाहता है, ये यूनिक स्टोरी कैसे आपने पाना है? सर स्टोरी क्या है ना कि भोजपुरी का जो अभी लेवल है ना, बहुत अगर हम टीवी के माध्यम से बात करते हैं तो बहुत बड़े स्तर पे आ गया है, अभी लोगों को पारिवारिक फिल्में पसंद आती है, अभी फिल्में ऐसी बनी भोजपुरी में जो एक परिवार में सभी लोग बैठ के पिक्चर साथ में देख सकते हैं, और मेरा हम लोग का भी प्लान वही था कि हम लोग भी ऐसी पिक्चरें बनाएं जिसको पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख सके, हम लोग गर्व से कह सके हाँ हमने ये पिक्चर बनाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं भोजपुरी का होता है कि अभी क्या है मेंटालिटी होती है लोगों के दिमाग में कि कुछ अश्लीलता होगी या कुछ गंदी चीज़ें होंगी, बट ये पिक्चर के माध्यम से हम ये शो करना चाहते हैं और काफ़ी लोग शो कर भी चुके हैं, जो चीज़ें अभी चल भी रही है, और हम भी ये शो करना चाहते हैं कि हम लोग भी बहुत साफ सुथरी पिक्चर लेके आ रहे हैं, इसका स्टोरी बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, कलाकार अच्छे हैं, प्रोड्यूसर अच्छा है। यस यस यस, लास्ट लाइन रियली फैक्ट है, सच है।
हमारे प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं एंड ही इज वेरी हैंडसम आल्सो. मेहनत कर रहे हैं हम लोग और बाकी सपोर्ट आप सब लोग का, आपका सपोर्ट है, आपका सपोर्ट है, आपका सपोर्ट है, कोऑपरेट कर रहे हैं आप सब लोग. नहीं मैं सर मैं देखो हम लोग काफी घबराए हुए थे कि कैसे मैनेज किया जाएगा, लेकिन आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, हमारी हिम्मत बढ़ी है. हम आज एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आगे दो प्रोजेक्ट और करेंगे. हमें प्रोत्साहन बहुत ज्यादा मिला यहाँ आपके सपोर्ट से. अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं रहता तो हमें बड़ी दिक्कत हो जाती, लेकिन आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा. थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट. बहुत शुक्रिया. और सालू जी का कैसे केमिस्ट्री रहने वाली है? बहुत जबरदस्त. ये भी पूछने की बात है लाडो, ये पूछ रहे हैं हमसे. गलत पूछ रहे हैं आप, गलत पूछ रहे हैं, बहुत गलत क्वेश्चन. क्योंकि लाडो और मेरी केमिस्ट्री आई है, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. हम एक दूसरे को छेड़ते हैं, एक दूसरे से झगड़ा भी करते हैं ना लाडो. अब तो वो रील पे तो रियल ही दिखाएंगे ना हम, ऑब्वियसली क्यों कमी छोड़ना. और वो भी मेरा इतना अच्छा हैंडसम हीरो तो रोमांस तो बनता है बॉस. आपने इतने सारे हीरो के साथ काम किया, हाँ जी, कौन सा हीरो ज्यादा अच्छा लगे? देखो सब अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बट लाडो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. हमारे बीच में बहुत अच्छी बाउंडिंग है दोस्तों वाली, ठीक है. तो हम लोग कैसे बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, ये वो, तो हमारी बहुत अच्छी बाउंडिंग है. सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सब अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं, राइट. इतने सारे प्रोड्यूसर साथ काम किया, कौन सा प्रोड्यूसर अच्छा है? मेरी लाइफ के सबसे हैंडसम प्रोड्यूसर, मेरे लाइफ के सबसे हैंडसम प्रोड्यूसर, यू नो, हैंडसम, गुड लुकिंग, चार्मिंग एंड वेरी डिसेंट आल्सो. बहुत सारे शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास इनके लिए. दूसरे प्रोड्यूसर नाराज नहीं होंगे? नहीं, वो चॉकलेटी बोल रही है. मैं हैंडसम की बात कर रही हूँ ना, लाइक वो यंग प्रोड्यूसर है. एक जो बेटे और जो बाप का केमिस्ट्री होता है ना सर, उसके दो तीन लेवल होते हैं. वो दोस्त भी होता है, वो बाप भी होता है, और वो कहीं ना कहीं गुस्सेल उसके अंदर वो होता है. तो जो आप बाप जी बोल रहे हैं, उसमें जो बाप का और जो बेटे का जो फीचर हुआ, जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही अलग है. इसमें अलग इसमें जो है वो आपको मूवी देखने के बाद ही आपको मालूम चलेगा. ये मैं कह सकता हूँ कि कंटेंट बिल्कुल अलग है. और इसमें जो बाप और बेटे का जो केमिस्ट्री है, जो आपने लाडू सर से पूछा है, अलग है सर. थोड़ा वो रियल है, बहुत ही यूजुअल चीज़ है, वो हर चीज़ हर जगह होती नहीं है. वो अलग सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो भैया बोले हैं वही है. अपना व्यू भी रख लीजिए, अपना व्यू रख दीजिए. देखिए एक्चुअली हमें लगते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे शब्द कह दिए, क्या हम क्या कहें, है ना? सेम ही उन्होंने सीरियसली सेम लाडू जी, आप एज ए सिंगर हैं, ढेर सारे गाने आपका थे इस फिल्म में, कितने गाने आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे? एज ए लीड रोल कर रहा हूँ, सारे गाने मोस्टली तो अपने हैं. और हमारे लाडो के है. और देखो नाम भी कितना क्यूट है ना, लाडो. अभी देखिए आज तो मेरी 8 अक्टूबर समझ लीजिए, आज फिल्म हम लोग स्टार्ट किए हैं. आज मेरी बिफोर यू पे आ भी रही है, 6 बजे के लगभग में सैया जादूगर, जिसके बहुत अच्छे डायरेक्टर को भी आ रही है. बिफोर यू पे एक फिल्म रिलीज हो रही है, मां का आंचल को भी, मां का आंचल. मैं रिचा मैम है, सारे लोग हैं. यस, और विनोद मिश्रा सर हैं, बहुत लोग हैं. बस बहुत अच्छी केमिस्ट्री होगी, बहुत अच्छी फिल्म है. आजकल सिंगिंग के साथ-साथ आप टीवी चैनल पे हैं, ये हैं टीवी में आपकी फिल्में आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक नया अचीवमेंट है कि घर-घर में आप पहुंच रहे हैं. अब खुशी की बात है, पहुंचना ही तो था. इतनी मेहनत ये इतने सालों से कर रहे, क्यों कर रहे, पहुंचना ही तो था. आप पहुंच रहे तो अच्छा लग रहा है, और मेहनत करेंगे और ज्यादा पहुंचेंगे. खुशी की बात है, कोई भी चाहे खुश हो रहा है, सबने प्यार दिया है, पहुंच रहे हैं. इसीलिए मेहनत ही कर रहे हैं ना. क्या और उनके 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 माध्यम से हम लोग भी शायद पहुंच जाएं. अरे नहीं सर, आप लोग तो क्यों. ये फिल्म कब तक दर्शन मिल पाएंगे? दिसंबर में सर, दिसंबर 1st वीक ऑफ जैन रिलीज करेंगे, कोशिश है सर. दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? सारे लोगों ने तो पहले ही दर्शकों को प्रणाम किया, मैं लास्ट में प्रणाम करता हूँ, ठीक है.
इस चैनल के माध्यम से सारे जितने भी भोजपुरी भाई हैं, जितने भी भाई बंधु श्रोता हैं, सबको दिल की गहराई से प्रणाम है और मेरी पूरी टीम की तरफ से। और सारे लोग बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत फिल्म बना के लाएँ हम लोग और बहुत ही जल्द आप लोग के बीच में लाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म से संदेश भी मिलेगा, कॉमेडी भी है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन संदेश जरूर मिलेगा इस फिल्म से। और लोकेशन जो हम देंगे वो भी एक संदेश जाएगा। और मैं दर्शकों को दिल से प्रणाम कर रहा हूँ, प्लीज़ ये फिल्म आएगी तो आप लोग जरूर देखिएगा।